Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि स्टील का आविष्कार दुनिया भर से पहले 500 BCE में भारत में हुआ था? और यही नहीं, उससे भी कई हजार सालों पहले से भारत में कॉपर, ब्रॉन्ज और अन्य मेटल्स का उपयोग हो रहा था। ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिक पीडिया का ये वीडियो। मेटल को जमीन से निकालने और उसे प्यूरिफाई कर इस्तेमाल करने की तकनीक को मेटलर्जी कहते हैं। वेदों में मेटलर्जी पर कई श्लोक हैं, जैसे ऋग्वेद 4:2:17, जिसमें कॉपर को अयास नाम दिया गया है और लोहे को कृष्ण अयास। आज से लगभग 6000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज एलॉय बनाया। ये भारत में ब्रॉन्ज एज की शुरुआत थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से ब्रॉन्ज के हथियार, आभूषण व मूर्तियां बनाती थी। ये तकनीक अपने समय के अनुसार काफी आधुनिक थी और आज भी इंडस वैली की प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं अपनी बारीक कारीगरी के लिए। जब दुनिया भर में ब्रॉन्ज एज खत्म हुई तो कई जगह सिविलाइजेशन एकाएक गायब हो गई, लेकिन भारत में इंडस वैली द्वारा बनाई तकनीक लुप्त नहीं हुई। ब्रॉन्ज एज के बाद भारतीय मेटलर्जिस्ट्स ने 500 BCE में दुनिया में सबसे पहले स्टील का आविष्कार किया। स्टील आते ही लोहा और ब्रॉन्ज दोनों ही मेटल इसके अधीन हो गए, क्योंकि ना तो स्टील में आसानी से जंग लगती थी और ना ही ये दबाव में आके टूटता था। ये देख भारत ने स्टील का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर शुरू कर दिया। सम्राट अशोक के मौर्यन एम्पायर में भारतीय स्टील रोम जैसे दूर दराज प्रदेशों तक एक्सपोर्ट होने लगा। कहते हैं जब राजा पुरु और अलेक्जेंडर की लड़ाई खत्म हुई तो उन्होंने शांति समझौता में सोना या चांदी नहीं, भारतीय स्टील मांगा। तब राजा पुरु ने अलेक्जेंडर को कई टन स्टील और अपनी तलवार भेंट में दी। मौर्यन एम्पायर के बाद सम्राट चंद्रगुप्त और गुप्त एम्पायर ने इन पुरातन तकनीकों को और आगे बढ़ाया। 300 CE में भगवान विष्णु के आदर में सम्राट विक्रमादित्य ने विश्व का पहला आयरन पिलर खड़ा किया। ये खंबा दुनिया का अकेला ऐसा लोहे का खंबा है जिस पर 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगी। आज भी दिल्ली में स्थित इस खंबे को देखने और समझने दुनिया भर से वैज्ञानिक आते हैं। भारत की मेटलर्जी में निरंतर प्रगति से जल्द ही यहाँ एक ऐसी आधुनिक मेटल का आविष्कार हुआ जिससे दुनिया की काया ही पलट गई। ये मेटल था वुड स्टील। वुड शब्द का मूल या तो कन्नड़ा में उक्कू से है या संस्कृत के उच्च से। वुड स्टील क्रूशिबल तकनीक से बनाया जाता है। इसमें एक क्ले क्रूशिबल को रॉट आयरन और कांच से भरकर चारकोल फर्नेस में तपाया जाता है। इस तकनीक में कांच से निकला सिलिकॉन फ्लक्स का काम कर लोहे की सारी इंप्योरिटी सोख लेता है और नतीजा होता था एक ऐसा हाई कार्बन स्टील जिससे बनी तलवारों की धार सालों तक तेज रहती थी। दुनिया की कई चमत्कारी तलवारें जैसे किंग आर्थर की एक्सकैलिबर भी शायद इसी पर निर्धारित थी। 1200 CE में जहां दुनिया वुड स्टील से चकाचौंध हो रही थी, वहां राजस्थान के जावर गांव में भारतीय लोहारों ने तपती फर्नेस में डिस्टिलेशन से भाप की हर बूंद को कंडेंसर में इकट्ठा कर दिया दुनिया को एक नया मेटल, जिंक। इस युग के बाद आयरन और स्टील विश्व के सबसे जरूरी मेटल बन गए। भारतीय स्टील बेचने का ठेका अरब देशों ने उठाया और इस स्टील को नाम दिया फौलाद। यूरोपी राजा यही स्टील डेमास्कस से खरीदते थे, वो उसे बुलाते थे डेमास्कस स्टील। 17वीं सदी के बाद भी दुनिया में हाई क्वालिटी स्टील का केवल एक ही स्रोत था, भारत। उस समय दुनिया के अनेक वैज्ञानिक इस स्टील को बनते देखने के लिए भारत आए। मशहूर वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने सन 1820 तक इसी स्टील की जांच परख की। इस अध्ययन से उन्होंने आधुनिक मेटलर्जी के विज्ञान का आविष्कार किया और उन्हें फादर ऑफ एलॉय स्टील की उपाधि मिली। एक तरफ जहां मॉडर्न मेटलर्जी के आविष्कार से दुनिया में हाई क्वालिटी स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ, वहां दूसरी तरफ 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में सारा स्टील प्रोडक्शन बंद करवा दिया।
आखिरकार 1907 में सर दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना की और भारत में फिर से स्टील प्रोडक्शन शुरू हुआ। आज भारत सालाना 99.6 मिलियन टन स्टील बनाते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। सड़कों से लेकर इमारतों तक ये मेटल से बनी हमारी दुनिया और मेटलर्जी के ज्ञान का ये अनमोल फल हमें प्राचीन भारत की हजारों सालों की मेहनत से ही मिल पाया। क्या आप जानते हैं हमारी ये मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया एक 19 सेंचुरी के भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च से बनी है। ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिकपीडिया के अगले वीडियो में।